देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। 3 करोड़ की अष्ट धातु की मूर्तियां पुलिस ने की बरामद। मऊरानीपुर झांसी कोतवाली मऊरानीपुर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी मऊरानीपुर के कुशल निर्देशन में थाना पुलिस बल मऊरानीपुर द्वारा सघन चेकिंग के दौरान 4 व्यक्तियों को डकैती की योजना बनाते हुए संतोष पाल की दुकान पर निपटा के पास सुखनई नदी के पास से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को 315 बोर नाजायज तमंचे व भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए अपराधियों को थाने लाकर गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने अपने नाम भान रेकवार पुत्र धनीराम निवासी नई बस्ती, रोहित पांचाल पुत्र रामकिशोर निवासी नई बस्ती मऊरानीपुर जिला झांसी, कल्लू पठान उर्फ कल्लू छपरी पुत्र इशाक पठान नई बस्ती, अशफाक हुसैन उर्फ बिक्की पुत्र निशार हुसैन निवासी बागा। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि बिजपुरिया मंदिर मोहल्ला बाजपेरीपुरा के मऊरानीपुर से चोरी की गई बेशकीमती कुल 12 मूर्तियों को बरामद कराया, जिसमें 2 मूर्तियां बड़ी राधा कृष्ण की अष्ट धातु की व 10 छोटी बड़ी मूर्तियां राधा कृष्ण व अन्य देवी देवताओं की पीतल की हैं। परिवारजनों को उक्त मूर्तियों की पहचान कराई तो मूर्तियों को पहचान लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मूर्तियों की कीमत लगभग 3 करोड़ की आकी। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी गया एक टेलीविजन व एक लैपटॉप बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किए गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय भदौरिया, उप निरीक्षक किशोर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रजत कुमार सिंह, चंद्रशेखर कुलदीप पाल, संजय सिंह, शिखा मिश्रा, गर्जना सिंह ने साहस का परिचय देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। किस तरह खुलासा हुआ हमारा? चलचित्रों में आपकी पहचान है, थिएटर आर्ट में आपकी पहचान है, संस्कार भारतीय आपका सम्मान करता है, झांसी महोत्सव में आपको पहचान दी है। आइए, जितने वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम से आए हैं सभी लोग भोजन करते जाएं और चलते हैं इस दूसरे दीपावली मेले के भोजनोपरांत का ये सत्र। आनंद से भरिए, उमंग से झूमिए, चलते हैं राजस्थान की धरा पर नेहा तिवारी के साथ कालबेलिया। पहले भी काफी चोरी की गई है जिसमें एक लैपटॉप और रंगीन टेलीविजन इत्यादि बरामद हुए हैं। इसमें 2 बदमाश अभी भागे हुए हैं और अन्य चोरियों का खुलासा भी संभवतः पूछताछ के दौरान इनसे किया जाएगा। सर, जो चोरी मूर्ति जो बरामद हुई लगभग उसकी कितनी कीमत रही होगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत।